अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम। नाजरीन, जलपल्ली सादत नगर इलाके में मुसलसिल आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहाँ पर मेन होल का ढक्कन खुला रहने की वजह से ड्रेंज का पानी लगातार बह रहा है और कई राहगीरों को और यहाँ के रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले से ही ये आवाम लॉकडाउन का मार झेल चुकी है, उसके बाद ऐसी लापरवाही हुकूमत की जानिब से और JHMC की जानिब से, और जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने खसमे खाकर यहाँ के लोगों के पैरों पड़कर भीख में वोट मांगा था और आवाम ने उन पर भरोसा रखकर उनको वोट भीख में दिया था, उनकी भी ऐसी हालत है कि वोट लेने के बाद, कामयाब होने के बाद, वो आवाम को पहचान तक नहीं रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। ऐसा लगता है कि इस इलाके में हम अगर चले जाएं तो कोई गांव में या कोई इजला में हम आ गए हैं। ये हालत है, फिर कहां पे तरक्की हो रही है? के चंद्रशेखर राव, सुनहरा तेलंगाना देखने का ख्वाब बंद करें। पहले ऐसे काउंसलरों को जो बजट दे रहे हैं, जो सड़कों के नाम पर, ड्रेनेज के नाम पर, आवाम को सहूलतें देने के नाम पर जो हुकूमत की जानिब से रुपये जारी होते हैं, वो करोड़ों रुपए कुछ ऐसे लोग आवाम तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आपस में कुछ पॉलिटिशियन और कुछ महकमे के लोग मिलकर खा लेते हैं। यही वजह है कि ये कामे ऐसे ही रहते हैं, बाद में आवाम को पहचानने से भी इनकार करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है। आवाम आहिस्ता आहिस्ता अब इस सारे लोगों के चेहरों को जान रही है, इनके चेहरों से पर्दा हट रहा है। वो दिन बहुत करीब है जब आवाम अपने गुस्से का इजहार करेगी और ऐसे सियासतदानों को बाहर का रास्ता बताएगी। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये मसले को हल किया जाए ताकि और ये परेशानी आवाम को ना हो। एम हमीद के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ये सैफ टू है उस्मान नगर कॉलोनी। हम मुसलमान लोगों को बहुत से यहाँ परेशानियाँ हो रही है, ना तो नल की लाइन है, ना रोडा सही है, पानी पड़ के कमरों तक पानी आ गया, कचरा जहाँ बोले वहाँ कचरा है, कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे। कहाँ भी कंप्लेंट करो, ये हमारा एरिया नहीं लगता, ये हमारा नहीं लगता बोल के बोल रहे। JHMC में भी मैं कंप्लेंट भेजी, घर का वीडियो निकाल के भेजी, बच्चे मच्छरों से बीमार पड़ रहे। हम लोग 4-5 हज़ार रुपये लगा रहे बच्चों को। हम लोग अब लॉकडाउन है, कारोबार नहीं है, हम लोग कैसा है ना, शुगर पेशेंट ना है, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, बच्चियों को मच्छर काट के ये वो बीमारियां, घर में चूहे आ जा रहे। तो ये हमारा एरिया नहीं लगता, जलपल्ली को जाओ कोई बोलते हैं, वेंकटापुरम जाओ कोई बोलते हैं, हमारे बारकत को भी जा रहे, ऐसे गोल गोल फिरा रहे हम, करा रहे ना। यहाँ पर ना हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, ना तो कोई सही दवाखाना नहीं है इधर। रास्ते में से अगर बाहर निकलना हो तो इतने गड़े हैं, रास्ता सही नहीं है यहाँ पर, पीने का पानी तो परेशान। लाइट गए तो 3 घंटे तक नहीं आती, 2 घंटों तक नहीं आती। ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, रोडा नहीं है, नल नहीं है, और क्या तो कचरा तो बहुत कचरा हो गया। कुत्ते ऐसा आ रहे, कुत्ते झुंड बना के आ रहे, कोई भी लाइटा नहीं, अच्छी लाइटा नहीं है, लेडीज तो आ नहीं सकते रोडों पे से, कहाँ गिर जाते कि कुत्ते काटते कि बोल के डर होता है इधर एरिया में आना। इधर एक जिम्मेदार नहीं है, काउंसलर कौन है, लीडर कौन है, कि हम गरीब हैं, कहाँ कहाँ जाके फिर रहे। हम औरतों को परेशानी हो रही, कभी घर में नहीं रहते, कैसा होगा अब, इतने आ रहे कचरा, कम से कम वो कचरा साफ कराए, बेटी को साफ करा के चले गए, वो कचरा उठा देना। बीमार होते पहले कोरोना वायरस चल रहा, बीमारियाँ आ रहे, वो म्युनिसिपल का है ना जिम्मेदारी, उठा देना ना वो। तब तक हम 5 महीने आ गए भैया, 5 महीनों से कोई भी उठाएंगे उठाने का नाम नहीं। ये हमारा नहीं होता, हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, जाके कंप्लेंट करो, वो ऑफिस में करो, JHMC में, वहाँ वेंकटापुरम में करो, जलपल्ली में जाओ, यही गोल फिरा रहे हम लोग। नहीं नहीं, पानी से ये कचरे से बदबू से पूरे मच्छर, बच्चे बीमार, यही हो रहा हमारे। कोई भी जिम्मेदार नहीं है, कोई काउंसलर लीडर नहीं है। हम आते बोल के वोटिंग होंगे, वहाँ से सोबजे नहीं आते, कहाँ है ना नल का पानी है, कुछ भी नहीं है हम लोग का। नहीं इधर सैफ टू कॉलोनी पूरा फसला था, कुछ तो भी पूरा फसला था, एक बार आप लोग अभी रात में आके देखिए इधर क्या आलम रहता, समझे, बहुत तकलीफ से गुजार रहे इधर लोग, क्या गरीब लोग हैं सब, जो है ना अपना कैसा भी गुजार ले रहे, घर बना लेके कर लेके, लेकिन उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है, समझे। रिक्वेस्ट है कि वो इधर दौरा करके हमारे बस्ती के लोगों का ख्याल करें, बड़ी मेहरबानी होगी। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing
Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University. A place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up, admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.